मैजिकल मनी बस रिस्टोरेशन गणेश एक लकड़हारा होता है जो रोज जंगल में जाकर लकड़ियां तोड़ता और उसे बेचकर अपना परिवार चलाता था एक बार वो लकड़ियां तोड़ने दूर जंगल के अंदर जाता है वहां वो लकड़ियां तोड़ ही रहा था कि तभी उसे किसी के रोने की आवाज आती है अरे इस सुनसान जंगल में भला कौन रो रहा है मैं भी यहाँ पहली बार आया हूँ चलो एक बार देख के आता हूँ हो सकता है कोई मुसीबत में हो ये सोचकर गणेश रोने की आवाज की तरफ बढ़ने लगता है कि तभी उसे रोने की आवाज एक पुरानी खराब बस में से आती हुई दिखती है उसे देखकर गणेश सोचता है लगता है कई साल पहले इस बस का एक्सीडेंट हुआ होगा बाप रे कहीं इस बस में भूत तो नहीं है क्या करूं पास में जाऊं कि नहीं राम 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 ऐसा कहते हुए गणेश बस के पास जाता है वो बस में झांक कर देखता है तो एक बूढ़ी औरत बस के अंदर बैठकर रो रही थी तब गणेश उस औरत से कहता है सुनिए माँ जी आप इस तरह ऐसे क्यों रो रही हो और आप इस जंगल में क्या कर रहे हो चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ ये बस ही मेरा घर है मैं कई सालों से इस जंगल में रहती आ रही हूँ यहाँ के पेड़ों पर लगे फल खाकर मैं अपनी भूख मिटाती थी पर आज आज देखो इंसानों ने पेड़ों को तोड़कर मेरे भूख का साधन ही छीन लिया मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है बेटा। सहन नहीं हो रहा है इसीलिए रो रही गणेश उस औरत को अपनी रोटी देता है जिसे खाकर उस औरत को बहुत अच्छा लगने लगता है तब वो औरत फिर से कहती है बेटा बड़ी दिनों बाद रोटी खाई है बहुत ही अच्छा लग रहा है रोटी खाकर क्या तुम मुझे ऐसी रोटी रोज ला के दोगे गणेश उस दिन से उस औरत को रोज खाना ला कर देने लगा एक बार ऐसे ही गणेश काम की वजह से शहर जाता है और वो जंगल नहीं जा पाता उधर वो बूढ़ी औरत को बहुत भूख लगी रहती है तब वो सोचती है अरे आज इस गणेश को क्या हुआ जो अभी तक नहीं आया खाना लेके चलो मैं ही जाकर देखती हूँ गांव में ये सोचकर वो गांव में चली जाती है गांव के घरों से उसे खाने की सुगंध आती है फिर क्या वो चुपके से घरों में घुसकर बने हुए खाने को चुरा कर खाने लगती है गांव के लोग इस बात से परेशान हो जाते हैं उस दिन गणेश शहर से वापस आता है तो उसे एक गाँव वाला बताता है अरे गणेश हमारे गाँव में घरों में खाने की चोरी हो रही है पता नहीं ये सब कौन कर रहा है लगता है भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है हमें इस तरह मुसीबत में डालकर गणेश यह सब सुनकर सीधे जंगल में जाता है वो उस बस में देखता है तो उसे बूढ़ी औरत खाना खाते हुए दिखाई देती है गणेश उस बूढ़ी औरत के पास जाता है और कहता है माँ जी आपने ये क्या किया मैं आपके लिए खाना गांव के लोगों से ही मांग कर लाता था और आप हो कि गांव के लोगों का खाना चुरा कर खा रहे हो उधर गांव वाले इस बात से बहुत परेशान हो चुके हैं पहले ही गांव पर बहुत बड़ी मुश्किल आ पड़ी है और अब ऊपर से आप ऐसा कर रही हो बेटा मैं अपने आप को रोक नहीं पाई बेटा मेरी अब इतनी उम्र हो गई है कि मैं भूख को रोक नहीं सकती बेटा इसीलिए ये सब कुछ किया पर बेटा तुमने क्या कहा कि गांव पर मुसीबत आई है कौन सी मुसीबत आई है बेटा माँ जी हमें ये गांव छोड़कर जाना पड़ेगा जमींदार ने हमारी सारी ज़मीनें हमसे ही हड़प ली है हमने गांव खाली नहीं किया तो वो हमें मार मार कर घर से बाहर निकाल देगा बस इसी सिलसिले में मैं शहर गया था ताकि किसी से पैसों की मदद मिल सके अच्छा ये बात है अरे बेटा मुझे पहले ही ये बोलना था मैं तुम्हारी सारी मुसीबत दूर करती थी ऐसा कहकर औरत एक जादू करती है जिससे पुरानी बस का रिस्टोरेशन हो जाता है और वो एक मैजिकल मिनी बस में बदल जाती है ये सब देख कर गणेश चक्का रह जाता है तब वो से कहती है बेटा ये सब मेरे किसी पुण्य काम की वजह से मुझे वरदान साधु बाबा ने दिया था जिसे आज मैं तुम्हारे लिए इस्तेमाल कर दिया जाओ बेटा जमींदार के सारे पैसे देकर अपनी ज़मीनें वापस हासिल कर लो गणेश उस मैजिकल मिनी बस से गांव में चला जाता है और बस से पैसे निकालकर जमींदार का सारा कर्जा वो उतार देता है और सबको उनके उनके जमीन के कागजात भी वापस दे देता है गणेश इस तरह गांव में सबको पैसे भी बांटता है। सारे गांव वाले ये सब देख कर बहुत खुश हो जाते हैं उस दिन के बाद से गणेश उस बूढ़ी औरत को अपने ही घर में सहारा देता है और मैजिकल मिनी बस चलाकर अपना और गांव वालों का भला करता है गोल्डन हेलीकॉप्टर मिर्जापुर नाम के गांव में अमीर चंद नाम के एक अमीर आदमी को एक बेटा होता है उसका नाम गोल्डी होता है गोल्डी को बचपन से ही सोना बहुत पसंद होता है उसके पास सोने के खिलौने सोने का ब्रश सोने का बेड यहाँ तक कि सोने की साइकिल भी होती है लेकिन जैसे जैसे गोल्डी बड़ा होता है उसे सोने की कार भी चाहिए होती है जिसलिए गोल्डी अपने बाबूजी से बात करता है बाबूजी बाबूजी, अरे क्या है क्यों इतना शोर कर रहा है बाबूजी मुझे कार चाहिए हाँ तो ले लो कोई भी गैराज में इतनी सारी पड़ी है कोई भी कार ले ले जाके बाबूजी मुझे सोने की ही कार चाहिए अबे तेरा ये क्या नाटक है बे? जो भी चीज चाहिए वो सोने की ही क्या पागलपन है ये तेरा मुझे नहीं पता बाबूजी। मुझे कैसे भी करके सोने की कार चाहिए बस मिर चंद दूसरे ही दिन गोल्डी के लिए सोने की कार खरीद कर लाते हैं। उस कार को देखने के लिए गोल्डी के दोस्त उसके घर आते हैं प्रवीण नाम का दोस्त सोने की कार देख कर कहता है अरे वाह गोल्डी नाम के जैसे ही तूने सोने की कार भी रखी है घर में क्या बात है चलो इसे चला कर देखते हैं। ठीक है लेकिन मेरे सिवा कोई नहीं चलाएगा इस कार को समझे अरे कोई बात नहीं तूने चलाई क्या हमने चलाई क्या एक ही बात है चलो अब ये बात कहकर सारे दोस्त गोल्डी की कार में बैठकर घूमने जाते हैं लेकिन कार सोने की होने की वजह से बहुत चमकती है और रास्ते पर चलने वाले दूसरे गाड़ियों को देखने में तकलीफ होती है तभी अचानक गोल्डी एक ट्रक के सामने आता है कार में से निकलने वाली चमक ट्रक ड्राइवर की आंखों पर पड़ती है जिस वजह से उसको दिखाई नहीं देता और वो ट्रक को एक दुकान में घुसा देता है ट्रैफिक पुलिस गोल्डी को गिरफ्तार करते हैं और हवालात में डाल देते हैं आमिर उसे छुड़ा शाम को घर लाता है और कहता है अब तेरे बाप ने कभी ऐसे कार चलाए थे <laughs> वो तो आपको ही पता होगा ना पिताजी अरे नालायक चुप कर और रख दे वो कार गराज में फिर कभी दोबारा उसे मत निकालना समझे तुम कुछ दिन बीत जाते हैं और अचानक एक दिन गोल्डी को एक हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ता हुआ दिखाई देता है यह देखकर उसे हेलीकॉप्टर उड़ाने का मन होता है जिसके लिए वो अपने बाबूजी से कहता है बाबूजी बाबूजी मुझे गोल्डन हेलीकॉप्टर चाहिए कुर्सी पर बैठे हुए अमीर चंद ये बात सुनते ही नीचे गिर जाते हैं और फिर उठकर कहते हैं है? अबे डक्कन अब क्या कह रहा है तुझे ढंग से कार तो चलानी नहीं आती और अब हेलीकॉप्टर चाहिए बाबूजी कार तो रोड पर चलानी पड़ती है ना लेकिन हेलीकॉप्टर तो हवा में उड़ता है उसे रोड पर चलाने की थोड़ी जरूरत होती है इस वजह से कोई परेशानी नहीं होगी गोल्डी की जिद देखकर कर चंद उसके लिए गोल्डन हेलीकॉप्टर खरीद कर देता है गुल्डी भी उसे उड़ाना सीखता है और एक दिन उड़ाते उड़ाते वह बहुत ऊपर तक हेलीकॉप्टर लेकर जाता है जिस वजह से गुल्डी बहुत डर जाता है और हेलीकॉप्टर का नियंत्रण खो देता है हेलीकॉप्टर ऊपर तेजी से गोल गोल घूमने लगता है और वो सोने का होने के कारण सूरज की रोशनी उससे तेजी से रिफ्लेक्ट होने लगती है जिसकी वजह से आसमान में उड़ने वाले दूसरे हेलीकॉप्टर और प्लेन्स को देखने में परेशानी होती है देखकर एयरफोर्स के प्लेन्स गोल्डी के हेलीकॉप्टर के पास आते हैं और उसे नीचे उतारने के लिए कहते हैं गोल्डी जैसे ही अपना गोल्डन हेलीकॉप्टर नीचे उतारता है एयरफोर्स वाले उसे गिरफ्तार करते हैं और उसे फिर से जेल में डाल देते हैं